Pascal's law, इसमें देखिए, take a vessel having three openings A, B and C and provided with frictionless and watertight pistons. Let their cross sectional areas be A, 2A and A by 2 respectively. तो हमने कंटेनर ले लिया इस तरीके से जिसमें तीन ओपनिंग्स हैं, तो एक ओपनिंग यहाँ पर है, एक ओपनिंग यहाँ पर है और एक ओपनिंग यहाँ पर है। इसका एरिया ए ले लिया, पिस्टन है, पिस्टन मतलब जो प्रेस करता है किसी भी लिक्विड को, प्रेस करने वाली जो चीज़ है दैट इज पिस्टन। उसके बाद इधर जो हमने ये वाला एरिया है, ये वाला जो पिस्टन है, इसका जो एरिया है वो हमने ले लिया 2A, इसका एरिया 2A ले लिया। और जो इधर है ये पिस्टन यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है, इसका जो एरिया है वो हमने ले लिया ए अपॉन टू। एक का एरिया ए है, एक का टू है, एक का ए अपॉन टू। अच्छा, इधर वाली जो ओपनिंग है इसको बोल दिया ओपनिंग ए, इस वाली ओपनिंग को बोला ओपनिंग बी, इसको बोला ओपनिंग सी। उसके बाद यहाँ जो बीच में है इस तरफ पूरे में इसमें वाटर भर रखा है, तो हमने मैथमेटिकल प्रूफ तो इसका देख लिया था पास्कल्स लॉ का, ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट करके देखा उसमें हमें क्या पता चला वो देखिएगा। तो इधर जो हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर हमने फोर्स लगाई एफ बाई टू, इधर जो हमने फोर्स लगाई यहाँ पर हमने फोर्स लगाई टू एफ, इधर लगाई एफ बाई टू, इधर लगाई टू एफ और इधर लगाई हमने फोर्स एफ। ठीक है, तो ये है कि फिल द वेसल विद वाटर, हमने पूरे वेसल को वाटर से भर दिया। Fill the vessel with water and apply an additional force F on piston A to keep the pistons B and C in their position. हमने यहाँ पर एक force लगाई F और B और C piston को अपने position पर रखने के लिए forces equal to 2F and F by 2 respectively have to be applied on them. तो हमने क्या करा कि पूरे के पूरे कंटेनर को हमने पानी से भर दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहाँ पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये जो वाटर का प्रेशर है ये इसको पिस्टन को पुश कर देगा, क्योंकि हमने बोला है कि पिस्टन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मतलब है बड़े आसानी से स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने पानी इसके अंदर भर दिया है तो ये धीरे से अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये निकल जाएगा, इधर से पिस्टन निकल जाएगा तो पानी बहने लगेगा। तो हमने इधर से एक फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, इतना फोर्स लगाया ताकि ये पानी नीचे से निकले ना। अच्छा, फिर जब हमने फोर्स लगाया तो ये वाले दोनों पिस्टन ये भी तो फ्रिक्शन लेस है तो ये यहाँ से निकल जाएंगे तो पानी ऊपर से बहने लगेगा अगर मैं नीचे से प्रेशर लगाऊंगा। तो हमने क्या करा कि इन दोनों को रोकने के लिए हमने इधर 2F और इधर F by 2 फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या कि टू कीप द पिस्टन्स बी एंड सी इन देयर पोजिशंस फोर्सेज इक्वल टू 2F एंड F by 2 रिस्पेक्टिवली हैव टू बी अप्लाइड ऑन देम। दिस शोज दैट द प्रेशर P इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो हमने ये देखा कि फोर्स हमको कितना लगाना पड़ा, ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ कर यहाँ 2F या यहाँ पर F by 2 लगा दिया, ये हमने चेक करा, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करा। तो ये देखने पर हमको क्या समझ में आता है कि जो प्रेशर है प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब जगह। कैसे, क्योंकि अगर प्रेशर आप यहाँ पर निकालेंगे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भी तो एक तरह से वॉल ही है इस कंटेनर का, ये भी तो कंटेनर का वॉल है जहाँ पर आपने पिस्टन लगा दिया और ये भी कंटेनर का वॉल है, आपने मूवेबल वॉल बना दिया एक तरह से इसको। ठीक है, तो अब क्या है कि हर जगह बराबर प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है। कैसे, यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे तो ये आएगा F बाई ए, यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे तो ये आएगा 2F बाई 2A, तो मिलाकर 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे तो ये F बाई 2 अपॉन A बाई 2, तो इधर डिनोमिनेटर भी 2 से 2 कैंसिल आउट, कुल मिलाकर तीनों ही प्रेशर F अपॉन A के इक्वल आएंगे, तीनों प्रेशर इक्वल आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 7 पर देखिएगा, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ।
वो पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन देखेंगे, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है और एक हाइड्रोलिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखिए कि जब भी कभी आपने बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की सर्विस होते हुए देखा होगा, है ना, ट्रकों की सर्विस होते हुए तो नहीं देखा होगा लेकिन गाड़ियों की सर्विस होते हुए आपने देखा होगा, जगह जगह सर्विस सेंटर्स खुले हुए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर गाड़ी जो है गाड़ी को बिल्कुल ऊपर उठा दिया जाता है। तो आजकल जो लिफ्ट है वो तो इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट आ गई है, बड़े बड़े जो ऑटोमेटिक जो सर्विस सेंटर्स हैं, और अगर कहीं पर ऑटोमेटिक लिफ्ट नहीं है तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि एक बंदा वहाँ पर खड़ा हो जाता है साइड में, उधर पैडल लगा रहता है, वो पैर से ऐसे ऐसे उसको प्रेस करता है और भारी से भारी गाड़ी भी धीरे 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 उठती चली जाती है। तो वहाँ पर ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसी का काम है, जबकि ये लगता होगा देखने में कि नहीं कोई मैकेनिकल मशीन है, कोई मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन वहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो फ्लूइड ही करता है, और फ्लूइड जनरली जो है इनकम्प्रेसिबल ऑयल लिया जाता है उसके अंदर जो कंप्रेस ना हो पाए, ठीक। तो उसका कंसेप्ट क्या है वो देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और जो पास्कल्स लॉ है, पास्कल्स लॉ की जो दोनों एप्लीकेशन हैं, कभी हाइड्रोलिक लिफ्ट तो कभी हाइड्रोलिक ब्रेक, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो विद डायग्राम आपको दोनों लर्न करना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो पहले लिफ्ट की बात करते हैं, और जैसे लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है सेम वही कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेक्स का भी है। कुछ ना कुछ तो लॉजिक या कुछ ना कुछ तो इंजीनियरिंग होती होगी ना, कि एक जरा सा पैडल है, एक छोटा सा ड्राइवर बैठा हुआ है, बड़े बहुत बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनमें भी देखा जाए तो ड्राइवर तो बड़े से ट्रक के सामने मामूली सा ही इंसान है, वो बैठा हुआ है, उसने जरा सा पैडल दबाया तो इतना बड़ा ट्रक जो है वो एकदम रुक जाता है। तो वहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज़ है। पहले लिफ्ट करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो इसका डायग्राम देखिएगा सर जी। हमारे सर ने वो पास्कल्स लॉ कैसे करवाया, कंपोनेंट वगैरह नहीं लेकर आया बिकॉज हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पता है क्या है कि इन्होंने लिया, हमने जैसे प्रिज्मेटिक एलिमेंट लिया था, इन्होंने सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया। तो ठीक है ये वाला बताओ, ये कर लूँ एक बार हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर उसके बाद ये बताओ। हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक और क्वेश्चन है इसमें, अच्छा भेज देना अभी करवा। देखिएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये है कि इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स विद कंसिडरेबली स्मॉलर फोर्स, बहुत हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स को कंसिडरेबली स्मॉलर फोर्स की हेल्प से उनको उठाने के काम आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो कैसे करते हैं, इधर एक पिस्टन लगाया है, इस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको ले लिया स्मॉल ए, और यहाँ पर जो लगने वाली फोर्स है उसको हमने ले लिया स्मॉल एफ।
तो देखिए भास्कर लॉ ये कहता है कि चाहे कोई छोटी ओपनिंग हो या चाहे कोई बड़ी ओपनिंग हो, प्रेशर सब पर बराबर लगेगा, प्रेशर सब पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिएगा उसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स C1 एंड C2 कनेक्टेड टू ईच अदर। दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर को बोल दिया C1 और एक सिलेंडर को बोल दिया C2। ये C1 और C2 दो सिलेंडर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अ पाइप। द सिलेंडर्स आर फिटेड विद वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। तो दोनों को वाटर टाइट मतलब वाटर इधर उधर से लिक्विड अगर है तो लिक्विड कहीं बाहर लीक नहीं होगा, है ना। और फ्रिक्शनलेस मतलब आसानी से मूव हो सकते हैं। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद है द सिलेंडर्स एंड द पाइप कंटेन अ लिक्विड। सिलेंडर में इसमें और इसमें ये जो पाइप है इसमें जो है पूरे में एक लिक्विड है, वो जो लिक्विड है एक जैसा ही सेम लिक्विड है, मतलब ये नहीं कि इधर कुछ और इधर कुछ और। तो सपोज अ फोर्स स्मॉल एफ इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, देन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड और लिक्विड विल बी। तो हम ये कहेंगे कि हमने इधर ये छोटा सा पेडल लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ से हम उसको दबाते हैं, हम प्रेस करते हैं। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, पी इज इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए, उसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कुछ नहीं। अभी लोड यहाँ पर एज इट इज रखा हुआ है, अभी लोड यहाँ पर एज इट इज रखा हुआ है और ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो दोनों ने एक दूसरे को अभी बैलेंस कर रखा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने यहाँ से फोर्स लगाया, तो हमने इसको फोर्स लगाया तो फोर्स से कुछ प्रेशर प्रोड्यूस होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन स्मॉल ए, ये हो गया, वो सेम प्रेशर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द सेम प्रेशर पी इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। तो सेम प्रेशर जो है वो यहाँ जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इस पर, अब इस पर जो लगेगा फोर्स, वो फोर्स क्या है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो बी इंटू एरिया इसका कैपिटल ए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू ये जो पी है ये बी तो यही रहेगा ना, स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल एफ को क्या बोलेंगे, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ बोल दिया। देयरफॉर हमें कहेंगे सिंस कैपिटल ए इज ग्रेटर देन ए, देयरफॉर कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। अब ये समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए, जब भी कभी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है तो वैल्यू क्या आएगी, वन से बड़ी वैल्यू आएगी, और वन से बड़ी वैल्यू को अगर मैं किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो उस टर्म की वैल्यू को बढ़ा देगी। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि इधर का एरिया मान लीजिए जो ये स्मॉल ए है, छोटा सा एरिया मान लो हमको चाहिए, तो छोटा सा एरिया मान लीजिए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने मान लिया 3 या चलो इवन लेते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर इधर है और 2 ही सेंटीमीटर इधर है, तो छोटा सा एक पैडल है बस। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर एरिया ले लिया, और इधर जो है इधर हमने कहा कि नहीं बड़ा सा एरिया हमको चाहिए, हमको एक बड़ा सा बॉक्स है वो उठाना है, तो उसको आप कह दो कि कैपिटल ए, उसको आप बोल दो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक तरह से मीटर में अगर देखें (0.04 meter square) यानी कि 0.02 meter और 0.2 और 0.2 meter, इसकी लेंथ ब्रेथ वाला कोई स्क्वायर पीस समझ लो आप। 0.2 into 0.2 कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.04 meter square है ये, तो 0.04 0.2 meter लगभग इतना होता है, तो इतना लंबा और इतना ही चौड़ा, तो एक ऐसा हो गया जैसे कि एक टाइल है, तो इतना बड़ा एरिया हो गया और वो एक छोटा सा पेडल है। तो क्या होगा कि इसके ऊपर अगर आप बॉक्स रख देंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कैसे, आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए कर रहे हैं, तो जब बड़ी वैल्यू को न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ये क्या हो गया 100
आगे कर लिया और 100 इंटू स्मॉल एफ, तो आपने यहाँ पर फोर्स लगाया मान लो 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन जबकि कुछ होता नहीं है भाई। अगर हम नॉर्मल एक इंसान का एवरेज वेट की बात करें तो 60 किलो का तो होगा कोई भी, तो जो 60 किलो की अगर हम बात करते हैं तो 60 × 10 तो 600 न्यूटन हो गया। अगर वो खड़ा हो गया उस पर तो 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और उसको 100 टाइम्स कर दो, तो अगर वो 600 न्यूटन का, या आप मान लो 400 न्यूटन का भी फोर्स लगा रहा है, तो 400 × 100 कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। तो 40,000 मतलब 100 गुना ज़्यादा फोर्स वहाँ पर एक्सपीरियंस होगा। तो इस वजह से एक छोटा सा जो बच्चा भी होता है ना, वो जो बाल मजदूरी करने वाले होते हैं, चाइल्ड लेबर जो होते हैं, वो जो प्लास और पेचकस वगैरह पकड़ाते हैं, छोटू ये देते छोटू वो देते, तो वो भी पैर से ऐसे 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 मारता है, उधर बड़ी से बड़ी जो गाड़ी है फॉर्चूनर और थार वगैरह सब ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए, ठीक है। एक और भी आपने देखा होगा जो जैसे कभी गाड़ी में पंचर हो जाता है तो उसमें हमारे पास जब वो होता है ना ये जो स्क्रू जैक होता है, तो हम उसको फिक्स करते हैं और धीरे 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 घुमाते रहते हैं, और जो पंचर वाले होते हैं इनके पास क्या होता है, वो लंबा सा वो एक वो डंडा लगा रहता है उसके अंदर और दो व्हील्स लगे रहते हैं, उसको नीचे गाड़ी के नीचे डाल के ठक 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 3-4 बार करते हैं, एकदम से गाड़ी जो है सीधी ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला ही यही प्रेशर वाला ही कॉन्सेप्ट है, समझ गए। तो कैपिटल ए या कौन स्मॉल ए, जब इसका एरिया बड़ा है और इसका एरिया छोटा है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू देगा, उस बहुत बड़ी वैल्यू को जो हमने फोर्स यहाँ पर अप्लाई करी है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ से बड़ा ही होगा, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है कि नहीं। हेंस बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ, वेरी हैवी लोड्स लाइक कार्स एंड ट्रक्स कैन बी लिफ्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉल फोर्स, ठीक है। अब वो देखते हैं जो तुमने भेजा था, ये कर लो क्या वर्कडन वर्कडन सेम कैसे रहेगा, वर्कडन इस वजह से सेम नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको बार बार ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर फोर्स कम लगा रहे हैं, ठीक, और हमने इसको मान लो 10 बार या 50 बार कंप्रेस करा ऐसे 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 ऐसे, तो इसका मतलब एक बार करा 2 सेंटीमीटर गया, फिर 2 सेंटीमीटर गया, फिर 2 सेंटीमीटर गया, तो अगर मान लो मैंने 10 बार करा तो 2 सेंटीमीटर × 10 = 20 सेंटीमीटर क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इधर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इधर कम आएगा। चलो जी, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एग्जर्ट्स अ फोर्स, ठीक है। अच्छा सुनिए, जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो फ्लूइड्स में हमारा जो है गैस भी आ जाती है और लिक्विड भी आ जाता है, तो यहाँ पर ये कंप्रेस्ड एयर की बात कर रहे हैं, एयर जो है एयर भी प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एग्जर्ट्स अ फोर्स एफ1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन हैविंग अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन ना व्हाट्सएप करवा दूँ, ये आपके टीचर ने दिया, बड़े सुंदर नोट्स बना रखे, ये सुंदर नोट्स नहीं किसी से ही पढ़ाते हैं, हाँ इनसे ही पढ़ाते हैं, ये क्लास में भी ऑनलाइन भी, हाँ तो ये इन्हीं के नोट्स होंगे ना, इन्होंने टाइप कर रखा होगा ना, सपोज सकता। मैंने एक्चुअल में लास्ट ईयर 12th में मैंने करा था स्टार्ट, कि जितने भी नोट्स मैं बना रहा हूँ वो सब मैंने टाइप करके देने शुरू करे थे, बच्चों ने मना कर दिया, कह रहे सर फील नहीं आ रही टाइप में, ऐसा लग रहा है बुक की प्रिंट आउट कर रखी है, वो हैंड रिटन नहीं, हमको समझ में आ जाता है कि लिखने पर कितना बड़ा हो जाएगा, अरे टाइप में कितना बड़ा हो जाएगा ये नहीं समझ में आता। तो एक लड़का था उसने बड़े ढंग से समझाया मेरे को, मैंने कहा सही कह रहे हैं, उसने कहा कि सर आपको ये थोड़ी आपको ये लगता होगा कि हम इतना सारा लर्न करके जाते हैं, हम ये देख लेते हैं कि वो कितने पेज का हो जाएगा, तो कह रहे मेन मेन चीज़ कर जाते हैं और ये देख लेते हैं कितने पेज का हो जाएगा, कितने पर नंबर मिल जाएंगे, बस वो अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था वो, मेरा सही है। हाँ जी, तो मैंने क्वेश्चन ना व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप पर ही फॉरवर्ड कर दिया है, तो देखिएगा इसी को, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही क्वेश्चन है कि ना कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एग्जर्ट्स अ फोर्स एफ1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन, तो स्मॉल पिस्टन पर जिसको मैं स्मॉल एफ बोल रहा हूँ तो उसको उन्होंने एफ1 बोला है, तो एफ1 कितना हो जाएगा, एफ1 ऑफ रेट ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं f is equal to f1, small f is equal to f1,
ठीक है, और इसका जो रेडियस है ना पिस्टन का, तो पिस्टन जो है वो सिलेंड्रिकल होगा, सर्कुलर शेप का होगा पिस्टन, कुछ समझ रहे हैं ना, पिचकारी को याद रखिए, तो पिचकारी को खोल कर और ऐसे खींच कर बाहर निकाल दो, तो उसमें जो वो रबर का पोर्शन होता है ना सर्कुलर, वही उसी को हम पिस्टन बोल देते हैं। तो उसका जो रेडियस है उन्होंने 5 सेंटीमीटर बोला है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना कि अगर इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन आए तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। रीज़न सुनिए क्या है कि आपको बेसिकली दोनों एरिया से तो डिवाइड करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, मीटर में करोगे तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो जब रेशो ले रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा, नहीं करोगे तब भी सेम। तो इसका जो एरिया है इधर वाले का स्मॉल ए का, ये पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 पाई हो गया, पाई की वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं, ये भी कटेगा, ये हो गया। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो जो सेकंड पिस्टन है उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 किलोग्राम, ठीक है, तो जो हमको मास उठाना है कार का वो 1350 किलोग्राम है, तो हमें जो वेट लिफ्ट करना है तो वो है कैपिटल एफ, उसको हम कैपिटल एफ बोलेंगे, ये कितना वेट हमको लिफ्ट करना है, तो वो कितना हो जाएगा एम जी के बराबर, कैपिटल एम कैपिटल कैपिटल एम स्मॉल जी, स्मॉल जी इन्होंने बोला 9.81 लेना है, 1350 × 9.81, ठीक है, तो ऐसे बन गया, नीचे 100 आया, 10 से 10 कट गया, 981 × 135 करो, तो अपॉन 10 है तो 13243.5 meter, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क, प्रेशर पूछ रहे हैं, हिसाब से फोर्स पूछना चाहिए, प्रेशर पूछ रहे हैं तो आसान ही हो जाएगा, क्योंकि चलो देखते हैं। देखिए जी, अभी मेरे को ये F1 निकालना है, सबसे पहले F1 निकाल लीजिए आप, तो F1 कैसे निकालेंगे, ये हमने कैसे करा था, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल A इंटू स्मॉल F, हमें निकालना क्या है, स्मॉल F निकालना है, तो स्मॉल F इज इक्वल टू कैपिटल F इंटू स्मॉल A अपॉन कैपिटल A, ठीक है। तो कैपिटल एफ कितना है, ये 1, 3, 2, 4, 3.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए, स्मॉल ए 25 पाई, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, उन्होंने फोर्स निकालने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला प्रेशर निकालना है कि आपको कितना प्रेशर आप यहाँ पर लगाएंगे, तो आप क्या करिए, ये जो स्मॉल ए है ना, इस स्मॉल ए की वैल्यू अभी यहाँ पर सिर्फ स्मॉल ए ही रहने दो, और इस स्मॉल ए को इधर ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू 13243.5 अपॉन 225 पाई, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए है, ये तो कैपिटल बी है, ये तो कैपिटल बी प्रेशर है, ठीक है, तो और चाहे कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए करते तब भी वही आएगा, क्योंकि प्रेशर तो सेम रहना है दोनों तरफ, ठीक। तो अब वैल्यू डाल दीजिए, 1, 3, 2, 4, 3.5 अपॉन 225 × 3.5, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आपने, ठीक है।
हाँ भाई और दिखाओ भाई कौन सा पूछ रहे थे डेरिवेशन क्या था पास्कल लॉ का डेरिवेशन बताओ फिर उस वाले तरीके से पास्कल लॉ में हमने प्रिज्मेटिक एलिमेंट लिया था अगर प्रिज्मेटिक एलिमेंट ना लेकर सिलेंड्रिकल एलिमेंट यानी कि लिक्विड जो है या पानी जो है उसका हमने मान लिया कि एक सिलेंड्रिकल टुकड़ा निकाल कर बाहर ले लिया तो वो किस तरीके से होगा इसमें कहा है कि एक हमारे पास कंटेनर है देखिएगा कि ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट जैसे हम प्रिज्मेटिक एलिमेंट लिया था ट्रायंगल शेप वाला लिया था यहाँ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया तो इन्होंने ये बोला कि इसमें जो ऊपर वाला फेस है ऊपर वाले फेस पर जो प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज पी वन और इसको बोल दिया फर्स्ट फेस इसको बोल दिया सेकेंड फेस इस पर जो प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज पी टू तो P1 और P2 ले लिया और ये जो सिलेंडर है सिलेंड्रिकल एलिमेंट की हाइट को इन्होंने ले लिया है h इसकी हाइट को h ले लिया अब ये कह रहे हैं लेट अस कंसीडर अ लिक्विड एट रेस्ट इन कंटेनर एज शोन इन फिगर इमेजिन अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर ऑफ हाइट h एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a देयर आर फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर फोर्स ऑन द अपर फेस फोर्स ऑन द लोअर फेस तो इमेजिन अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ दिस लिक्विड या ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट तो फोर्स ऑन अपर फेस फोर्स ऑन अपर फेस ऑफ द सिलेंडर तो फोर्स क्या होता है फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया ठीक है तो अभी हमको पास्कल लॉ पता नहीं है हम पास्कल लॉ को प्रूव कर रहे हैं तो पास्कल लॉ अगर हमको पता होता तो हम इसमें P1 और P2 डाले थे हम कहते हैं कि भाई पास्कल लॉ ये कहता है कि सब जगह प्रेशर सेम मिलेगा हमने बोल दिया P1 और इनटू इसका एरिया तो इसका एरिया जो है इसके एरिया को बोल दिया कैपिटल है क्योंकि सिलेंड्रिकल एलिमेंट है तो जो ऊपर वाले सरफेस का एरिया होगा वही नीचे वाले सरफेस का एरिया होगा ठीक है और यहाँ लिख दिया एक्टिंग डाउनवर्ड्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स उसके बाद फोर्स ऑन द लोअर फेस बोला कि
gate of the liquid, liquid is interacting downwards. डेंसिटी तो हो गया रो, और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है जो ऊपर सर्कुलर फेस है, और एच क्या है? इसकी हाइट। तो उन्होंने इस एरिया को, क्योंकि हमने जब इस वाले एरिया को कैपिटल ए लिया है, तो आप पाई आर स्क्वायर ना लिखकर आप ए इंटू एच लिख दो, आप ए इंटू एच लिख दो, ठीक है। तो वॉल्यूम को क्या लिख दिया उसका, जो ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाई आर स्क्वायर में लिखकर ए लिख दिया उसको, ये हो गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। अगले स्टेप में पाई आर स्क्वायर की जगह कैपिटल ए लिख लेते हैं, तो रो ए एच और जी, इसी को रीअरेंज करके इन्होंने ए रो एच जी लिखा था, ठीक है। तो ए एच रो जी, सॉरी, ठीक है, ऐसे लिख दिया ए एच रो जी, ठीक। तो ये हो गया इतना, जो ये लिक्विड एलिमेंट है, इतना जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, इसका जो वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स, ये वो चीज़ हो गई, ठीक है जी। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि नाउ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड सिलेंडर। तो लिक्विड सिलेंडर जो है, ये लिक्विड का ही जो टुकड़ा है सिलेंड्रिकल शेप का, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, उसको हम कहेंगे ये भी डाउनवर्ड्स लग रही है, ये भी डाउनवर्ड्स लग रही है। तो डाउनवर्ड्स वाली जो है वो डोमिनेटिंग फोर्स होगी, ज़्यादा हो गई, इन दोनों को ऐड कर लो, और ये अपवर्ड्स लग रही है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो हम ये कहेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड सिलेंड्रिकल एलिमेंट, लिक्विड सिलेंड्रिकल एलिमेंट, हम ये बोल देंगे F1 प्लस F3 माइनस F1 प्लस F3 माइनस F2, ठीक है, नेट फोर्स हो गई। इस नेट फोर्स को हमने कैपिटल F बोल दिया, ठीक है। अब वैल्यूज डाल दीजिए, ये हो गया P1A प्लस AH रो जी माइनस P2A। अच्छा जी, अब आगे की कहानी सुनिए। बट द लिक्विड इज एट रेस्ट, दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड सिलेंडर इज जीरो। तो लिक्विड जो है वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स है जो लिक्विड पर एक्ट कर रही है वो जीरो है। सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट, सो एफ इज इक्वल टू जीरो, ये चीज शुरुआत में बोल दी गई थी कि रेस्ट में है लिक्विड। यहां से क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, P1A plus AH rho G minus P2A, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां से आपने A ले लिया कॉमन, P1 plus H rho G minus P2 is equal to zero, ये इधर चला जाएगा। P1 plus H rho G minus P2 is equal to 0।
फिर वो बोल रहे हैं कि इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड दैट इज जी इज इक्वल टू जीरो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड उसको क्यों नेग्लेक्ट करा जाता है वो बताऊंगा अभी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जीरो हो गया ये जीरो हो गया माइनस पी टू को उधर ले जाओ तो पी वन इज इक्वल टू पी टू तो इससे ये पता चल गया कि एक लिक्विड के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पॉइंट पर आपका जो प्रेशर है वो सेम है अच्छा ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट इस वजह से करा जाता है क्योंकि जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जितने भी सिस्टम्स की बात करते हैं जैसे ये सिस्टम है तो आप ये देखेंगे आप कोई भी बुक उठाएंगे उसमें सबसे पहला शब्द एक ये लिखा होगा कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम पहला ही शब्द ये लिखा रहता है किसी भी डेरिवेशन में उठाया फ्लूइड मैकेनिक्स की कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अब आप सबसे आइसोलेट हो गए हैं सबसे अलग हो गए हैं मतलब ये सिस्टम ग्रेविटी से अलग है तो ये कंसिडर करके और तब वो वैल्यू निकाली जाती है ठीक है ना तो इस वजह से ये भी डेरिवेशन ठीक है ये वाला तो हाँ तो ये वाला गलत है और वो मतलब वेटेज भी इसी को ज़्यादा देंगे क्योंकि उन्होंने यही वाला पढ़ा है तो जो ठीक लगे वो कर लेंगे ठीक है जी इतना कर लीजिए और बाकी 26 तारीख के लिए तैयार रहिएगा टेस्ट होगा आपका मैं ग्रुप पर भी डाल बेटा वही बताऊँगा।